पीलीभीत थाना मुरिया कस्बे में लगातार हुई चोरी की ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम देने वाले चोरों को पकड़कर पुलिस ने कई घटनाओं का एक साथ खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी हुआ माल बरामद किया गया है। पूछताछ के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया। लगातार चोरी की घटनाओं को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन भी किया था। पिछले दिनों थाना मुरिया क्षेत्र में हुई चोरी और नकाबजनी की एक के बाद एक घटनाओं के खिलाफ भड़के आक्रोश के बाद भी पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर नकदी और गहने बरामद किए हैं। सीओ योगेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपियों ने 5 नवम्बर को जिला सहकारी बैंक में चोरी का प्रयास किया। 7 नवंबर को कस्बा निवासी नन्ही देवी के मकान में चोरी की। अमरिया मार्केट में किराने की दुकान और नहर के पुल के पास किराने की दुकान से चोरी की गई। पकड़े गए बदमाशों ने इन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल की है। पकड़े गए आरोपियों में अमरिया कस्बे के ही सलमान मुख्तार हुसैन माजिद दिलशाद मखदूम रिजवान शामिल है। चोरों की निशानदेही पर 5 टीन सरसों का तेल, 11 बंडल बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, सोने का मांग टिक्का, सोने की अंगूठी, 2 जोड़ी पायल, 9500 नकदी की बरामदगी हुई है। पुलिस ने चोर गिरोह को जेल भेज दिया है। आज जो चोरी का खुलासा हुआ है सर, क्या मामला है? कस्बा मरिया में पिछले 5 दिनों से लगातार नकदजनी की घटनाएं हो रही थी, चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिनमें से एक जिला सहकारी बैंक और एक किराने की दुकान और दूसरी किराने की दुकान में कल कई व्यक्ति 3 व्यक्ति थे जो तेल के कनस्तर चुरा रहे थे। उनमें से उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कई लोगों के नाम लिए, जिसमें 5 अभियुक्तों को पकड़ा गया। उनका चालान करके कोर्ट भेजा जा रहा है।